तो जैसा कि मैंने बताया कि आजकल मैग्नेटिक मटेरियल, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो चैप्टर हैं जो एक्सक्लूसिवली जो है वो मेंस के लिए टॉपिक्स एडवांस में नहीं आते, इन टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, है ना। जो कि ये जो टॉपिक है आप ध्यान देंगे क्लासेज में बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, कम्युनिकेशन चैप्टर जो हो गया क्लासेज में पढ़ाया नहीं जाता है, कोचिंग क्लासेज में। लेकिन आप जो देखेंगे मेरा वीडियो लेक्चर देखेंगे उसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, और जस्ट उसके जो फॉर्मूले हैं अगर फॉर्मूले भी याद होंगे ना तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, एक फार्मूला पर बेस्ड है। इसमें कहा गया है अ पोलराइजर एनालाइजर सेट इज एडजस्ट एज सच दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द एनालाइजर इज जस्ट 10% ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी, है ना। एज्यूमिंग दैट द पोलराइजर एनालाइजर सेट डज नॉट एब्जर्व एनी लाइट द एंगल बाय व्हिच द एनालाइजर नीड टू बी रोटेटेड फर्दर टू रिड्यूस द आउटपुट इंटेंसिटी टू बी जीरो। तो ये जो क्वेश्चन है मैं इसको समझाता हूँ एक डायग्राम से। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, यहाँ पर ये एक लाइन है, ऐसा मान सकते हैं कि ये एक्सिस है, है ना, और ये जो है इसको कहते हैं पोलराइजर, ये पोलराइजर है और ये एनालाइजर है, है ना। तो ये जो एनालाइजर है देखने में इसी के जैसा है बिल्कुल, है ना, लेकिन ये जो एनालाइजर है इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं। ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ये जैसे एक्सिस है तो मेरा हाथ जो है एनालाइजर समझ सकते हैं, तो इस हाथ को ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पोलराइजर है वो बिल्कुल वर्टिकल है, ये बिल्कुल वर्टिकल है इस तरह से ऐसे, और ये जो एनालाइजर है उसके पीछे है, इसको हम लोग एनालाइजर को ऐसे रोटेट कर सकते हैं, है ना। तो एनालाइजर का जो है ये जो सेंट्रल लाइन है और इसका जो सेंट्रल लाइन है, इसका सेंट्रल लाइन समझ सकते हैं कि ये हो गया इस तरह से, है ना। तो ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन से हमने इसको रोटेट किया तो ये सपोज एंगल थीटा है, है ना। तो यहाँ से अगर जो लाइट गया, यहाँ से जो लाइट गया, है ना, तो इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो अगर यहाँ पर आई नॉट है तो ये जो एनालाइजर है इसको पार करने के बाद जो इंटेंसिटी बचती है वो बचता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला है हमने थ्योरी में पढ़ा है, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होता है, जहाँ पर थीटा क्या है, ये वर्टिकल लाइन जो है पोलराइजर का लाइन, उससे एनालाइजर का जो लाइन है सेंटर लाइन उसका रोटेशन है एंगल, है ना। तो ये होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो एनालाइजर से जब लाइट पास करता है तो केवल 10% पास करता है टोटल का, मतलब कि ये आई जो है आई नॉट बाई 10 है, ये हो गया I नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 10% का मतलब हो गया 10/100 यानी कि 1/10, है ना। तो यहां से ये कैंसिल करेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू आएगा 1/√10, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.31 आती है, है ना। और ये जो है ये लेस देन आएगा 0.707 जो कि कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है, है ना। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू इतना होता है, उससे ये वैल्यू छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा है वो ग्रेटर देन 45 डिग्री होना चाहिए। कॉस थीटा की वैल्यू छोटा है लेकिन थीटा बड़ा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि थीटा जैसे जैसे बढ़ता है कॉस थीटा घटता है। कॉस 0 मैक्सिमम होता है 1, और कॉस 90 डिग्री मिनिमम होता है 0, है ना। तो इसमें चूंकि कॉस थीटा का वैल्यू कम है तो थीटा जो है वो ज्यादा होगा 45 डिग्री से, ठीक। तो ये जो पहले थीटा है वो 45 से ज्यादा है। अब क्या कहा गया, कहा गया कि इसको और कितना रोटेशन दिया जाए जिससे कि बाहर निकलने वाली इंटेंसिटी जीरो हो जाए। तो देखेंगे ये इंटेंसिटी जीरो तब होगा जब थीटा का वैल्यू 90 हो जाए, यानी थीटा जो है हमें 90 डिग्री करना पड़ेगा। ये जो वर्टिकल लाइन है इससे जब 90 डिग्री पर आ जाएगा या थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो इंटेंसिटी हो जाएगा जीरो। तो इतना थीटा तो पहले से ही था,
तो और कितना रोटेट करना है, इसको रोटेट करना है, देखेंगे ये फाइनल स्टेज है, मतलब ये 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद ये स्टेज आएगा। तो ये थीटा एंगल पर पहले से था, तो और हमें 90 माइनस थीटा ये करना पड़ेगा रोटेशन, है ना, 90 माइनस थीटा का रोटेशन करना पड़ेगा, यानी 90 तो नहीं करना है, ठीक है, 90 नहीं करना, 90 से कम का रोटेशन देना पड़ेगा। और देखेंगे कि चूंकि ये थीटा 45 से बड़ा है, तो 90 माइनस थीटा जो आएगा, 90 माइनस थीटा जो है वो आ जाएगा लेस देन 45। इस थीटा का, इसका, दोनों का सम 90 होता है, थीटा 45 से बड़ा है, तो ये एक्चुअली में आना है एंगल ऑफ रोटेशन, है ना। तो यहां पर देख सकते हैं 45 से कम वैल्यू अगर देखेंगे, 45 से कम एक ही वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, क्या दिया गया है, ये एक तो 45 है, एक 90 है, एक 71.6 है, और ये एक वैल्यू दिया गया है 18.4 डिग्री, जो कि 45 से छोटा है, यानी ये पहला ऑप्शन जो है वो सही है। पहले जो रोटेशन था थीटा, ये एक्चुअली में होना चाहिए 71.6, तब जाकर के 90 माइनस थीटा जो है ये आएगा 18.4, जो कि ऑप्शन में दिया गया, ठीक। तो इस हिसाब से, है ना, ये जो रीजन मैंने यहां पर बताया उसके हिसाब से पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए।